आज दिल्ली में मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर का एक मार्च आयोजित किया गया ऑल इंडिया लेफ्ट पार्टीज और प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स के द्वारा, जिसमें तमाम तरह के कार्यकर्ता, स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लीडर्स शामिल हुए। आइए बात करते हैं उन कार्यकर्ताओं से जो इस मार्च में शामिल हुए हैं। हम लोग यहाँ देश भर में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वाम दलों की तरफ से, यहाँ हम लोग जंतर मंतर पे भी आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन है। आप बताइए, यहाँ 370 के खिलाफ हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन कश्मीर की जनता नहीं कर सकते। कश्मीर की जनता के ऊपर कर्फ्यू है। कश्मीर की जनता की आवाज दबाने के लिए 40,000 हथियारों से लैस हमारी फौज, हमारी सीआरपीएफ की ऑफिसर और जवान है। तो ये देश को इस तरह आप जोड़ेंगे? आपने कश्मीर को तोड़ा है, आपने संविधान की धज्जियां उड़ाए हैं, आपने प्रदेशों का, जो राज्यों का जो अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, संयम जो एक ढांचा है हिंदुस्तान का, उसको आपने तोड़ा है। और आप कहते हैं कि आप देश की एकता चाहते हैं। मोदी जी और शाह देश की एकता ने ब्रिटिश जमाने से ही इन्होंने हमेशा विभाजन वाली नीति चलाई। आज भी उस संविधान पर हमला करके वो हमारे देश को कमजोर करने वाली नीति चला रहे हैं। देखिए, कश्मीर के साथ जो कुछ भी हुआ है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अन्याय हुआ है, और पूरे देश के हिसाब से मैं बात करूँ तो बहुत जबरदस्त खतरनाक संकेत है। कश्मीर को धारा 370 से भारत के साथ जोड़ा गया था। ये धारा 370 इतिहास की वजह से एक ऐसा प्रावधान था संविधान में जो कश्मीर और शेष भारत को जोड़ता था, और उसको एकाएक खत्म कर देना, वो भी इस तरीके से बिना कश्मीर के लोगों से कोई बात किए, कश्मीर पर एक तरह से कर्फ्यू थोप करके, आपातकाल थोप करके, तो मैं नहीं समझता कि इसका कानूनी मायने क्या है। इस पर तो कानून के धरातल पर भी बहस होगी, लेकिन कश्मीर के लोगों का जो सेंटिमेंट है, मैं समझ सकता हूँ कि आज किस तरह का अलगाव आज वो उनको महसूस हो रहा है, और इसीलिए हम लोग तो पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं बताने के लिए कि हम कश्मीरियों के साथ है, कश्मीर के साथ है। दूसरा, जिस तरह से कश्मीर जो एक अलग राज्य हुआ करता था, अभी तक हम देश में देख रहे थे कि किसी यूनियन टेरिटरी, जैसे गोवा एक यूनियन टेरिटरी था, उसको एक राज्य का दर्जा दिया गया। हमने देखा कि कुछ राज्यों को दो राज्यों में बांटा गया, जैसे बिहार को, जैसे यूपी को, जैसे मध्य प्रदेश को, या हाल ही में आंध्र प्रदेश को। अब कश्मीर को एकाएक जो एक राज्य था, उसको दो यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया। तो मुझे तो लगता है कि बिहार के हर नौजवान को सोचना चाहिए, बिहार के हर नागरिक को सोचना चाहिए कि कल अगर रात को नींद से उठने के बाद सुबह अगर आपको पता चले कि बिहार अब एक अलग स्टेट नहीं है, उसको भोजपुर और मिथिला और कोशी और मगध चार यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, अगर हमारे यूपी के भाइयों को, बहनों को अगर ये पता चले कि उत्तर प्रदेश अब एक अलग राज्य नहीं रहा, उसको पूर्वांचल, बुंदेलखंड और हरित प्रदेश जैसे कुछ यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, तो आपको कैसा महसूस होगा? यहाँ से खड़े होकर के सोचना चाहिए। कश्मीर के लिए 370 एक रिजर्वेशन जैसा था, तो हमारे तमाम एससी एसटी के, ओबीसी के भाइयों बहनों को, जिनको इतिहास की वजह से हमारे देश के सामाजिक बनावट के चलते एक आरक्षण का हक मिला हुआ है, कल अगर आज जिस तरह से राष्ट्रीय एकता के नाम पर कश्मीर का आरक्षण खत्म किया गया, कल अगर हमारा सामाजिक आरक्षण भी सामाजिक समरसता के नाम पर, एक ही एकता के नाम पर अगर इसको खत्म कर दिया जाए, तो हमें कैसा महसूस होगा? यहाँ पर खड़े होकर के कश्मीर को समझना चाहिए। आज जो लोग जश्न मना रहे हैं कि चलो अब कश्मीर में जाकर के जमीन खरीदेंगे, कश्मीर की जमीन अब हमारे हिस्से में आ जाएगी, तो ये कौन लोग हैं? इस देश में सिर्फ कश्मीर को जमीन बचाने का हक नहीं था, इस देश के बहुत सारे दूसरे राज्यों को, पहाड़ी राज्यों को अपनी जमीन बचाने का हक है। इस देश के जो आदिवासी के लिए पांचवी अनुसूची है, आदिवासियों के लिए ये हक है कि उनका जमीन आप नहीं ले सकते। तो आप समझ सकते हैं कि कौन लोग आज ये कश्मीर में जमीन खरीदने का जश्न मना रहे हैं, जो लोग सोनभद्र में आदिवासियों की हत्या करके उनकी जमीन छीनने पर आमादा है, जो लोग झारखंड में छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को खत्म करके झारखंड के आदिवासियों को जमीन से बेदखल करना चाहते हैं, गरीबों को जमीन से बेदखल करना चाहते हैं, जो लोग फॉरेस्ट एक्ट को रिराइट करके 1 मिलियन से ज्यादा
10 लाख से ज्यादा आदिवासी वनवासियों को जमीन से बेदखल करना चाहते हैं, वैसे ही ये भूमाफिया के लोग होंगे जिनको खुशी हो रही होगी कि अब कश्मीर में हमको जमीन मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि कश्मीर के सवाल को हमें भूमाफिया की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, कश्मीर के सवाल को हमें देखना चाहिए देश के लोकतंत्र के हिसाब से, देश में संविधान की दृष्टि से। इस देश में जो इतना बड़ा देश है, विविधता के जरिए ही हम देश को एक रख सकते हैं। विविधता को अगर खत्म करेंगे, उसको अगर बुलडोजर से रौंद देंगे, तो देश की एकता बचेगी नहीं। कश्मीरियों को धकेल देंगे, भारत से उनको अलगाव में धकेल देंगे, तो जो लोग कह रहे हैं कि अब हम कश्मीर में निपट लेंगे, आप नहीं निपट सकते। तो आप कश्मीर को और ज्यादा आपने दूर धकेल दिया, कश्मीरियों को दूर धकेला है, और एक भारतीय होने के नाते और लोकतंत्र संविधान में आस्था रखने वाले एक नागरिक के हैसियत से मुझे इस वक्त काफी दुख है। काफी मैं कश्मीरियों का जो मनोस्थिति है, मैं उसको समझ सकता हूं, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में हर मजदूर को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर दलित को, हर महिला को, हर आदिवासी को, और इस अंबेडकर के संविधान में आस्था रखने वाले हर भारतीय नागरिक को इस समय कश्मीर का साथ देना चाहिए और कश्मीर के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में आवाज बुलंद करनी चाहिए। देखिये, हम सब लोग आज यहाँ पर आए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं खुद हूँ, इस बात को अपनी सरकार को बोलने के लिए कि जो उन्होंने दो दिन पहले हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर किया, वो पूरी तरह से इलीगल था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और हम अपनी सरकार को ये याद दिलाने के लिए आए हैं कि हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और बाकी सारे सरकारें वो सब उसके बाद आती हैं। और 370 को जिस तरह से तोड़ मरोड़ के इन लोगों ने इलीगल तरीके से बिल्कुल कहा कि अब वो खत्म हो गया, उसका कोई भी तरह से वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, लद्दाख को उससे अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया, ये सब कुछ एक आर्बिट्री तरीके से किया गया है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि 370 के अंदर खुद ये दिया गया है कि अगर आप कभी भी हमारा प्रेसिडेंट 370 को हटाएगा तो वो जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछ के होगा। और हम कश्मीर के अंदर अगर हालात देखें तो 10 दिनों से हमारा सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रहा था, ये बोल रहा था कि कोई आतंकवादी हमला होने वाला है, इसीलिए सारे वहां पे जितने पिलग्रिम्स थे, जितने ट्रैवलर्स थे, टूरिस्ट थे, उनको वापस बुला लिया, और कश्मीर को आज सीज के अंदर वहां रख दिया है, कश्मीर के सारे ऑपोजिशन नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया है, कर्फ्यू लगा दिया है, और कम्युनिकेशन चैनल्स पूरी तरह से बंद है। तो अब भी सरकार को ये कहना चाहते हैं, आप जिनके लिए फैसला ले रहे हैं आज आप उन्हीं लोगों से बात नहीं करें, वो स्टेक होल्डर है, लेकिन उन्हीं को नहीं पता कि उनके लिए कितना बड़ा फैसला हो चुका है। तो ये बिल्कुल साफ है कि हमारा सरकार कश्मीरियों से प्यार नहीं करता, उनको कश्मीरियों से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक झूठ और आग लगाना देश के अंदर है, वही कश्मीर के नाम पे वो लोग कर रहे हैं। और हम जो सिटीजन है इस देश के, हम अपनी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल गलत है, इस पूरे फैसले में आपके देश के नागरिक आपके साथ नहीं है, आप इसको तुरंत ठीक करिए। 370 को, 35A को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिमाइसेस हैं, इनको वैसे के वैसे वापस से लाइए, और कश्मीर के अंदर ये जो सीज का माहौल है इसको बंद करिए, जो हाउस अरेस्ट कर रखा है उन लोगों को वापस छोड़िए। आज सारे लोग, हम लोग इस मार्च में आए हैं, हम लोग कश्मीरी आवाम के साथ खड़े होने के लिए आए हैं, जो उनसे बिना पूछे उनके लिए कुछ फैसले इस सरकार ने ले लिए हैं उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। और एकदम साफ साफ डिमांड है कि वहाँ से आफ्सपा को हटाया जाए, मिलिट्रलाइजेशन कम हो, और साथ में जो 370 को इन्होंने रद्द किया है उसको वापस लाया जाए। कश्मीरी अस्मिता, कश्मीरी सम्मान के लिए ये बहुत जरूरी है, और इसीलिए आज दिल्ली में दिल्ली की आवाम, देश की आवाम कश्मीरियों को ये बताने के लिए आई है कि आप लोग के साथ हम लोग खड़े हुए हैं, आप अपना संघर्ष जारी रखिए। अरे कश्मीर को इंसाफ दो, अरे आर्टिकल 370 वापस लाओ, आर्टिकल 370 वापस लाओ।